नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे मेरा जिम जाने का समय होता है। मैं रोज़ाना हमेशा जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको प्रदूषण रहित हवा मिल जाती है, ताज़ी हवा मिल जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, आप अपनी डेली के कामों को सही टाइम से कर पाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं प्री वर्कआउट मील के बारे में। प्री वर्कआउट मील वो होता है जो हम कसरत करने से पहले खाते हैं। तो कसरत करने से पहले हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, उसी के बारे में फटाफट से आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है भीगे हुए काले चने, 50 ग्राम भीगे हुए काले चने। और दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है 250 ग्राम दही और 2 उबले हुए आलू। लेकिन इसके लिए आपको सुबह 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा जिम जाने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा हैवी मील है और थोड़ा देर से डाइजेस्ट होते हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है, मैंने काफ़ी सालों तक इस मील को लिया है, एनर्जी दोनों के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। जब हमारे पास समय नहीं है तो हमें ऐसा मील लेना है जो तुरंत डाइजेस्ट हो, तुरंत डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी दे। तो ऐसा मील क्या है, किससे मिलेगी अच्छी एनर्जी? तो उसके लिए आप ले सकते हैं 2 केले। ये मेरे पास 2 केले हैं, ठीक है। ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं। केले में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, फाइबर और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं। ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो केले के अंदर होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। और प्री वर्कआउट में हमें एनर्जी की ही ज़रूरत होती है, विटामिन सी भी केले के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप 2 केले ले सकते हैं, ये इजी टू डाइजेस्ट हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आपके पास 20, 25, 30 मिनट का समय है, तो 2 केले प्री वर्कआउट में बेस्ट हैं। बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। और इसके बाद में आपको 15 मिनट के बाद में, जब आपको जिम जाने से 15 मिनट पहले आपको एक और चीज़ लेनी है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये केले खा लेता हूँ, ठीक है। प्री वर्कआउट में एनर्जी को अच्छा वर्कआउट कर लेंगे आप। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका गोल मसल्स गेन करने का है तो खाली पेट आपको जिम नहीं करना है। जिम जाने से पहले आपको प्री वर्कआउट मील जरूर लेना है। और अगर आपका गोल फैट लॉस करने का है तब आप खाली पेट जिम जा सकते हैं। आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, आपको फैट लॉस करना है, तब आपको प्री वर्कआउट मील लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्री वर्कआउट ड्रिंक ले सकते हैं। तो इसको भी ख़त्म करता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्री वर्कआउट मील फूड। अब मिलते हैं 15 मिनट बाद। और एक धासु चीज़ जिससे ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी, पंप मिलेगा, फोकस मिलेगा, आप अच्छा वर्कआउट करेंगे, वो बताता हूँ आपको 15 मिनट के बाद में। तो फाइनली दोस्तों, जिम जाने का समय होने वाला है, 15 मिनट बचे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जिम जाने से 15 मिनट पहले आपको एक प्री वर्कआउट ड्रिंक लेना है। बहुत ही फाड़ू ड्रिंक होने वाला है, एनर्जी भरपूर, ताकत, सभी प्री वर्कआउट इसके सामने फेल हैं। और सिर्फ 2 रुपये का, सस्ता, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, 2 घंटे वर्कआउट कर लोगे आप आराम से। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 1/2 कप गुनगुना पानी लेना है। और यहाँ पर जो है मेरे पास वह है ब्लैक कॉफ़ी, 2 रुपये का पाउच मिलता है नेस्कैफे का। इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से फाड़ना है और इसमें आपको मिला देना है। ये पानी में आपने मिला दिया। और अब डालनी है इसमें एक और चीज़,
खतरनाक वाली। नींबू, नींबू में होता है विटामिन सी और कॉफ़ी में होता है कैफीन, जो कि आपको जितने भी महंगे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप खरीदते हो दो दो हज़ार के, उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा कैफीन होता है। कैफीन आपको यहाँ भी मिल रहा है कॉफ़ी से उतना ही जितना उनमें होता है, और विटामिन सी होता है उनमें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं है तो ये भी बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है, इससे भी आप काम चला सकते हैं, देसी चीज़ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको आधा नींबू निचोड़ देना है, ठीक है। ये आपने आधा नींबू निचोड़ा इसमें, और चम्मच से इस तरीके से आपको हिलाना है ऐसे, और इसको पी जाना है। टेस्ट, इसी से एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी वर्कआउट करने की। जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे तो अच्छी मसल्स भी गेन होंगी। तो चीज़ों के बारे में आप समझो, जे मत समझो कि ये सस्ती चीज़ है तो ये ख़राब होगी। हर सस्ती चीज़ ख़राब नहीं होती है और हर महंगी चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये प्री वर्कआउट ड्रिंक आप एक्सरसाइज करने से 15 मिनट पहले ले सकते हैं एनर्जी के लिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो यही आपको आज जानकारी देनी थी मैंने, कि सोचा कि प्री वर्कआउट के बारे में अपने भाइयों को बता दूं। पोस्ट वर्कआउट के बारे में भी वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दो आदमियों में शेयर करें।